बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेक्निकल इजी चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आप लोग मीज़ान बैंक से ऑनलाइन पैसे कैसे ट्रांसफ़र करोगे किसी भी बैंक में। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग घर बैठे मीज़ान बैंक एप्लीकेशन के ज़रिए किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसको हम फ़ंड ट्रांसफ़र बोलते हैं, फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मीज़ान बैंक में आप लोग बेनिफिशियरी कैसे ऐड करोगे। कोई भी बैंक अकाउंट है आप लोगों के पास, किसी भी बैंक का अकाउंट है, तो वो अकाउंट आप लोग कैसे ऐड करोगे। अगर वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो वो पिछली मेरी वीडियो देख के आप लोग बहुत आसान तरीके से किसी भी बैंक का अकाउंट ऐड कर सकते हो, बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बताऊँगा फ़ंड्स ट्रांसफ़र के बारे में। फ़ंड ट्रांसफ़र बहुत ही आसान तरीका है, कितनी भी जितना आप लोग भेजोगे कोई भी फ़ीस नहीं है। तकरीबन 1 लाख के अंदर आप लोग 1 लाख भेजोगे तो कोई फ़ीस नहीं होती है, इसकी फ्री होती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप भाइयों से कि अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुंच सके। तो दोस्तों यहां पे मैं मीज़ान एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और यहां पे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँगा यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद। आप लोगों ने भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन हो जाना है अपने अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देख सकते हो आप लोग अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। ये मेरा मीज़ान बैंक का अकाउंट है। अब यहाँ पे मैं फ़ंड्स ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा। फ़ंड्स ट्रांसफ़र आप देख रहे हो, फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो निशान लिखा हुआ है फ़ंड्स ट्रांसफ़र, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी बेनिफिशियरी ऑलरेडी ऐड है और यहाँ पे एक्टिव है। आप लोग अगर नई बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड न्यू बेनिफिशियरी पे क्लिक करके यहाँ पे बैंक्स शो हो जाएंगी। वो बैंक्स आप लोगों ने सेलेक्ट करके अपना अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद बेनिफिशियरी को ऐड करना है। वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो देख के आप लोग बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जिस बंदे को जिस अकाउंट में पैसे भेजना चाहता हूँ ये ऑलरेडी यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड है, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप लोगों ने भी इस तरह से क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहां पे अमाउंट एंटर करना है। आप लोग जितना अमाउंट यहां से भेजना चाहते हो वो अमाउंट यहां पे आप लोग एंटर करोगे। तो यहां पे मैं अमाउंट एंटर कर लेता हूं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अमाउंट एंटर कर दिया है और पर्पोज़ में आप लोग अदर पे ही रहने देंगे, कोई इस पे इशू नहीं होता है, आप लोग अदर्स पे ही रहने देंगे। उसके बाद यहां पे आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहां पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी डिटेल आ चुकी है, फ्रॉम मीज़ान बैंक अकाउंट टू जो है टाइटल अकाउंट, जिस बंदे का अकाउंट है पूरा नेम उसका और अकाउंट नंबर आ चुका है। आप लोगों ने पूरी डिटेल सही तरीके से चेक कर लेनी है, अमाउंट चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट जो है इसकी चार्जिंग 1 रुपया है क्योंकि मैंने 2 मरतबा ट्रांजेक्शन की है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप लोग पे नाव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं पे नाव पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही पे नाव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है हमारी, प्लीज़ वेट लिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी यू हैव ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। इस तरह से आप लोग अपना अपने मीज़ान बैंक से किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। देखिए दोस्तों कितने तकरीबन 2 मिनट लगे हुए हैं। बेनिफिशियरी ऐड करोगे उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे तो आप लोगों के साथ कोई भी वक्त नहीं जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।